गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल इन दिस 10th क्लास स्पेशल लाइव सेशन। सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और आज की तारीख है 1 अप्रैल 2021, और आज की शीट सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप हो चुकी है। बड़े 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 और 3 मार्क्स में अच्छे से आते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। एक पैरेललोग्राम के 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस दे रखे हैं, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं पैरेललोग्राम ABCD। ये देखिए, ए के वर्टिसेस हैं ए कॉमा 2A+B, बी के वर्टिसेस हैं माइनस का 2A, B-A, सी के वर्टिसेस हैं 2A-B, -A, और फोर्थ वर्टेक्स आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है जिसका नाम आप एक्स ए और बी की जगह, चलो क्या लें, पी और क्यू ले सकते हैं, पी और क्यू। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए के वर्टिसेस कितने हैं, ए कॉमा 2A+B, और C के वर्टिसेस हैं इसके सामने 2A-B और कॉमा माइनस का A। सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए इसके नीचे हेडिंग डालते हैं X1 Y1 और इसके नीचे डालते हैं X2 Y2, और फॉर्मूला होता है X1+X2/2 Y1+Y2/2। वैल्यू पुट करते हैं A+2A-B/2 और 2A+B- प्लस के बाद माइनस का A है तो ऐसे अपॉन 2। चलिए ये हो गया 3A-B/2 और ये हो गया A+B/2। अब नाम डालते हैं फिर से B और D का। B के कोऑर्डिनेट हैं माइनस का 2A और B-A, और D के वर्टिसेस हैं P, Q। अब इसके नीचे फिर से लिखते हैं X1 Y1 और इसके नीचे X2 Y2। तो जैसे हमने AC के मिड पॉइंट निकाले, अब हमारा काम है BD के मिड पॉइंट निकालना। तो हेडिंग डालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगनल BD। चलिए BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं X1+X2/2 Y1+Y2/2। चलिए देखते हैं X1 कितना है, माइनस का 2A+P/2 और B-A+Q/2। अब यहां एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी, लिखेंगे वी नो दैट डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर। सो अगर पैरेललोग्राम के दोनों डायगनल, ये देखिए, एक दूसरे को बाईसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब AC और BD का एक ही मिड पॉइंट होगा, दो अलग अलग मिड पॉइंट नहीं हो सकते। तो जब दोनों के एक ही मिड पॉइंट होगा तो इसका x वाला कोऑर्डिनेट, जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल चलेगा, माइनस का 2A+P/2, और जो y वाला कोऑर्डिनेट है, y वाला कोऑर्डिनेट A+B/2, वो B-A+Q/2 के इक्वल चलेगा। ए, ये देखिए, x वाले कोऑर्डिनेट को x वाले के इक्वल रखेंगे, y वाले कोऑर्डिनेट को y वाले के इक्वल। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 3A-B = -2A+P। इस 2A को उधर ले आए तो ये हो गया 5A-B = P। ये P का आंसर आ गया। इधर देखिए, 2 से फिर से 2 काट दिया,
ये बच गया ए प्लस बी इक्वल बी माइनस ए प्लस क्यू, तो बी से बी कट गया, ए इधर आकर प्लस का हो गया 2a, यानी कि क्यू का आंसर 2a आ गया। तो बताएंगे फोर्थ वर्टेक्स d के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, आइए लिखते हैं। p की वैल्यू है 5a माइनस बी और q की वैल्यू है 2a। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए पैरेललोग्राम आ जाए, स्क्वायर आ जाए, रोम्बस आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, सभी के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए AC के मिड पॉइंट और BD के मिड पॉइंट को आपस में इक्वल रखकर हम लोग फोर्थ वर्टेक्स का आंसर निकाल सकते हैं, या कोई मिसिंग वैल्यू अगर निकालनी है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट वही लिखना चाहिए जहां उसका यूज करते हैं। ये देखिए पहले AC के मिड पॉइंट निकाले, फिर BD के निकाले, फिर स्टेटमेंट लिखकर दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। आइए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर x और प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल 0। कह रहा है x के लिए इसका आंसर फाइंड करिए। आइए इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0। कंपेरिजन करते हैं, a की वैल्यू 4, b का आंसर है माइनस का 4a स्क्वायर और c की वैल्यू है 8 टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। चलिए d निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस का 4a स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह 8 टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ये हो गया 16 a टू द पावर 4, 16 a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, 16 a टू द पावर 4, 16 a टू द पावर 4 प्लस 16 b टू द पावर 4। क्या हुआ, ये दोनों की दोनों टर्म कैंसिल हो गई और ये बच गया 16 b टू द पावर 4 और ये आंसर 0 से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट्स। आइए रूट्स निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, रूट्स निकालने का फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहले ये माइनस लगाते हैं और अब क्वेश्चन में देखते हैं कि b की वैल्यू क्या है, माइनस का 4a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट d का आंसर आया 16 b टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू a की जगह लिखेंगे 4। ठीक है, ये a कैपिटल में लिख देते हैं सब क्वेश्चन। चलिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 8, 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 8, 8 और 4 कट गए तो एक आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 और एक आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, आराम से, पहले एबीसी छाटा, अगर गलत छाट लिया तो डी भी गलत आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करते समय साइन चेंज का बहुत ध्यान रखना है, टर्म पॉजिटिव आई इसका मतलब रूट्स जरूर निकलेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ठीक ठीक वैल्यू पुट करी, अच्छे से कैलकुलेशन करी और ये दो आंसर आपके पास तैयार हो गए। आइए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एम और एन दो नंबर्स ऐसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2n इक्वल 0। इसका कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए की वैल्यू है m, b का आंसर है 3 और c की वैल्यू है 2n। चलिए सम निकालते हैं, सम का लिखते हैं सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स यानी कि m प्लस n, फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a। और अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो सम आपको माइनस 6 दिया हुआ है, तो माइनस 6 इक्वल्स माइनस b की जगह 3 और a की जगह m। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 6m इक्वल माइनस का 3, m की वैल्यू हो गई माइनस 3 अपॉन माइनस 6 और m का आंसर हमारे हिसाब से 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, जैसे आपने सम निकाला, अब किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और नंबर हुए m और n, तो m और n की मल्टीप्लाई और फॉर्मूला होता है c अपॉन a।
ठीक है, और प्रोडक्ट भी क्वेश्चन में आपको -6 दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, सम भी -6, प्रोडक्ट भी -6, सी की वैल्यू 2n और ए का आंसर m, ठीक है। देखो ए का आंसर m, सी की वैल्यू 2n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -6m इक्वल 2n, -6m, m का आंसर बताओ आप क्या निकाल चुके, 1/2, ये देखो कट गया, माइनस का 3 इक्वल टू n, कौन बताएगा n की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 3/2, ये आपके पास n का आंसर आ गया और शीट में भी हमने आपको आंसर लिखा हुआ है, आपका आंसर मैच कर गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, सम भी दिया हुआ था हमने भी सम का फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट दिया हुआ था हमने भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, जो m की वैल्यू आ चुकी थी उसे प्रोडक्ट में यूज कर लिया, m भी आ गया और n भी आ गया। आइए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। थ्रू द मिड पॉइंट m ऑफ साइड cd ऑफ पैरेललोग्राम abcd, पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये देखिए नाम लिख देते हैं इसका abcd, लीजिए abcd, फिर से पढ़ते हैं, थ्रू द मिड पॉइंट m ऑफ साइड cd, साइड cd का मिड पॉइंट है m, आगे लाइन BM इज ड्रॉन, B को M से ड्रॉ किया, लाइन BM इज ड्रॉन टू कट AC एट L, AC को L पर काटती है, लो भाई जब AC को ज्वाइन किया तो ये L पर काटती है, आगे एंड AD प्रोड्यूस्ड एट E, यही BM लाइन AC को तो L पर काटती है और AD को प्रोड्यूस करने पर, ये देखो कहां काटती है, AD को प्रोड्यूस करने पर E पॉइंट पर काटती है, कह रहा है क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाइए, टू प्रूव EL का आंसर BL का डबल होगा, देख लीजिए ये रहा EL ये रहा BL, E कहां से आया, AD को प्रोड्यूस करने पर और BM को प्रोड्यूस करने पर E पर काटती है, जब BM को ज्वाइन करते हैं AC से तो वो L पर काटती है, ये M मिड पॉइंट दिया हुआ है इसलिए ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है। अब क्वेश्चन में थोड़ी सी एक लर्निंग पॉइंट यह है कि जो M के दोनों तरफ ट्राइंगल बन रहे हैं ना, M के देखो ध्यान से, उनमें आप कोगेंसी प्रूफ करिए और जो L के दोनों तरफ ट्राइंगल बन रहा है उसमें आप सिमिलरिटी प्रूफ करिए। तो M के दोनों तरफ ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल EMD, ध्यान से देखिए EMD, और दूसरे ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं ट्राइंगल BMC, ध्यान से देखिए कोई जल्दी नहीं किसी बात की, ये देखिए EMD और BMC, इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्गेंसी प्रूफ करते हैं। देखिए आइए देखते हैं ऐसी कौन सी तीन बातें हैं जिससे कॉन्गेंसी प्रूफ हो जाती है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ब्रैकेट में लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, और DM इक्वल है CM के, ब्रैकेट में लिखते हैं गिवन M is the midpoint। चलिए अब बच गई तीसरी बात, ये देखिए एंगल 3 और 4, क्योंकि फिगर का नाम पैरेललोग्राम है और पैरेलल लाइनें होने के कारण एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ब्रैकेट में इसका रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए एक एंगल ये लिया, एक ये लिया और एक साइड ली, तो कॉन्गेंसी का नाम हो गया बाई AAS कॉन्ग्रेंसी, जो ट्राइंगल आप लेकर चले थे EMD वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BMC के। मुझे इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्गेंसी प्रूफ करने की क्या जरूरत पड़ी जिससे मैं DE लाइन को BC के इक्वल दिखा सकूं, ये देखिए DE लाइन को BC के इक्वल दिखाने के लिए ब्रैकेट में लिखा CPCT, ये देखिए कोई जल्दी नहीं आराम से, DE को आपने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, BC के, इसीलिए आपने कॉन्गेंसी प्रूफ करी, ठीक है। आइए अब ट्राइंगल बदलते हैं और अब सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं, अब कौन से ट्राइंगल लेंगे, अब वो वाले ट्राइंगल लेंगे जो L के दोनों तरफ है, देखिए इन ट्राइंगल ELA और दूसरे ट्राइंगल का नाम है BLC, आराम से देखिए कोई जल्दी नहीं, नाम भी बड़े ध्यान से सोच समझ के लिखने हैं, E से शुरू किया ELA, जब E का अल्टरनेट B पर है तो B से शुरू किया BLC, अगर आप ध्यान से दोनों ट्राइंगल देख रहे हो तो ELA में और BLC में एक तो 3 और 4 इक्वल है
जिसका रीजन आपने ऊपर भी बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, सो बाय AA सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल आप लेकर चले थे ELA वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल BLC के। क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल। बताइए ELA की शुरू की दो लाइनें EL और उधर की तरफ BL, आखिरी के दो लेटर AE अपॉन BC। ध्यान से देखिए EA अपॉन BC। ठीक है, चलिए फिर से वैल्यू पुट करते हैं, रेशो बना दिया अब हमने EL अपॉन BL। कौन बच्चा बताएगा डायग्राम को ध्यान से देखकर AE के दो टुकड़े क्या होंगे? AE के दो टुकड़े होंगे AD प्लस DE और नीचे लिखा हुआ है BC। फिर से चलते हैं, यहां तो लिखते हैं EL अपॉन BL। अब बताइए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD की जगह मैं BC लिख सकता हूं और DE को देखो CPCT से मैंने क्या प्रूफ किया था, BC। नीचे भी लिखा हुआ है, बोलो क्या, BC। फिर से ऊपर लिखा हुआ है EL अपॉन BL और इक्वल कितने BC हो गए, 2BC अपॉन BC। कौन बताएगा EL अपॉन BL की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि BC से BC क्या हो गया, घट गया। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना आपका आंसर प्रूव्ड हुआ कि नहीं। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, प्रूफ करके दिखाया आपने EL BL का डबल है। तो क्या याद रखना है कि M के दोनों तरफ ट्राइंगल में कॉन्गेंसी प्रूफ करनी है जिससे हम DE को BC के इक्वल दिखा सकें, और L के दोनों तरफ ट्राइंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करके रेशियो बनाना है और वैल्यू पुट करनी है। AE को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, AD भी BC और DE भी BC, तो हमारा आंसर आ गया EL इक्वल 2BL। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शुरू की 5 टर्म का सम, ध्यान से समझना, फर्स्ट 5 टर्म का सम किसके इक्वल है, 1/4। किसका 1/4, नेक्स्ट 5 टर्म। अब जरा सोचकर देखिए 5 के बाद अगली 5 टर्म यानी कि 6 से लेकर 10 तक कैसे आएंगी, अगर मैं टोटल 10 में से शुरू की 5 माइनस कर दूंगा। ये चीज समझने की है, जिस बच्चे को ये चीज समझ में आएगी ना, देखो क्या शुरू की 5 टर्म्स का सम अगली 5 टर्म के सम का 1/4 है। अब अगली 5 कैसे निकाली जाए, 5 के बाद अगली 5 बैठती है 6 से 10 तक, तो क्या करेंगे 1 से 10 तक के टोटल में से अगर शुरू की 5 टर्म माइनस कर दें तो इसका यही तो मतलब हुआ कि आखिरी की 5 टर्म आएंगी। अब बताओ 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4s5 s10 माइनस s5, ये वाला s5 भी इधर ले आओ, 5s5 इक्वल s10। चलो भाई s5 का फॉर्मूला खोलते हैं, 5/2 फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में आपको दे रखी है 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और d की वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है, आगे चलते हैं। s10 का फॉर्मूला लगाते हैं, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। चलिए ये हो गया अंदर मल्टीप्लाई करके 25/2, ये हो गया 4 प्लस 4d, और यहां पर 10/2 5 होता है, ये हो गया 4 प्लस 9d। ठीक है, 4 प्लस कितना, 10 में से बन गया 9d। चलिए 25/2 4 ले लिया कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस डी, और 5 4 जा 20, और प्लस 45d क्या हुआ, ये कट गया, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर दी 50 1 प्लस डी, और 20 प्लस 45d ये हो गया 50 प्लस 50d, और ये हो गया 20 प्लस 45d। इस 45 को इधर ले आए तो 5d बचता है और माइनस का 30 बचता है, तो d की वैल्यू आपके पास माइनस 6 आ गई। आइए अब आपको शुरू की 20 टर्म का सम निकालना है,
तो ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको 2 दे रखी है, और डी का आंसर अभी अभी आपने -6 निकाला, और 20 टर्म का आपको क्वेश्चन में सम निकालना है। तो आइए एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आराम से करते हैं, एन की जगह 20, क्योंकि 20 टर्म का सम निकालना है, ए की जगह 2, एन की जगह 20 माइनस 1, डी की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस का 6 और बाहर बड़ा ब्रैकेट बंद, ये हो गया 10, ये हो गया 4, 20 में से 1 गए 19 मल्टीप्लाई माइनस का 6। चलिए कैलकुलेशन आराम से करते हैं, माइनस का प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके इन दोनों की आएगा 69 या 54 और 114। तो माइनस करके देखिए हमारे पास कितना आ गया, माइनस करके 110 आ गया, और वो भी किसका, माइनस का, और माइनस 110 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस का 1100 आ गया। कोई जल्दी नहीं, आराम से देखिए, शुरू की 5 टर्म का सम, अगली 5 निकालने के लिए नेक्स्ट 5, तो टोटल 10 में से अगर शुरू की 5 माइनस करें तो इसका मीनिंग बैठता है अगली 5, यानी कि 6 से 10 तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, दोनों तरफ दोनों के फॉर्मूले खोले, जिससे डी का आंसर आ गया, एस 20 का फॉर्मूला लगाया, ए डी और एन की वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया माइनस का 1100। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर इस तरह के आ चुके हैं, तो जब तक आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी कि आखिरी की 5 टर्म कैसे निकाला जाए, तब तक आप इस क्वेश्चन को फिर बड़ा मुश्किल करेंगे, ठीक है। चलिए इन 5 क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे कंप्लीट आपने कर लिया होगा, फिर भी कुछ दिक्कत हो आप हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, कल नए अच्छे 5 या 6 क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम के लिए हैं फिर एक बार आपके साथ क्लास में आएंगे। आप तब तक अच्छे से इन सब का रिवीजन करिए और भी क्वेश्चंस करके देखिए, जो प्रॉब्लम हो उसे व्हाट्सएप पे डालिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।